बाय सेल रेंट प्रॉपर्टीज एट propnation.co.in। आज का वीडियो बेस्ड है सेवियर ग्रीन आर्च नोएडा एक्सटेंशन पर, जहां पर एंट्री पर आपको मिलता है ये कमर्शियल, और इसके सामने है एक ऑलरेडी एग्जिस्टेड अथॉरिटी की रोड, और इसके बिल्कुल सामने एक तरफ, क्योंकि ये टू साइड ओपन प्रोजेक्ट है, ये दूसरी तरफ आपको मिल जाती है 130 मीटर वाइड रोड जो कनेक्ट करती है ग्रेटर नोएडा और नोएडा को। यहां पर हम आपको जो टावर्स दिखा रहे हैं, ये है टावर एफ एंड जी। यहां पर आप देखेंगे एक 2 BHK विद स्टडी रूम, 1180 स्क्वायर फीट सुपर एरिया वाला, ड्राइंग और डाइनिंग का कॉम्बो आपके सामने आपको इस तरीके से मिलता है, जिसमें इस तरफ का जो एरिया है वो ड्राइंग की तरह आप इस्तेमाल करेंगे, और इस तरफ का जो एरिया है इसको आप एज ए डाइनिंग स्पेस इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके सामने आपको मिल जाती है किचन, अंदर ही आपको मिल जाता है रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस, बट इस किचन के साथ में आपको बालकनी अटैच नहीं मिलती है। हालांकि इसके बाहर तक बालकनी आती है, बट उसका एक्सेस आपको ड्राइंग हॉल के थ्रू मिलता है, ना कि किचन के थ्रू। इसमें आपको एक विंडो एरिया मिल जाता है, और इस तरफ है इसका डिश वॉशिंग एरिया। ये है वो बालकनी जो ड्राइंग हॉल के साथ में एक्सेसिबल है, एक यूटिलिटी बालकनी के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करेंगे, और यहां पर आपको वॉशिंग मशीन के लिए प्रोविजन मिल जाता है, और ये वही विंडो है लेफ्ट हैंड साइड पर जो किचन में से ओपन होती है। कुछ ऐसे व्यूज रहने वाले हैं इस लोकेशन पर। काफी अच्छी है ये सोसाइटी, लोकेशन वाइज बहुत ही बढ़िया है, और कंस्ट्रक्शन वाइज भी काफी अच्छी है, क्योंकि ये जो फ्लैट्स अभी आप देख रहे हैं ये बना हुआ है, ये फ्लैट माइवन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये है इस यूनिट का कॉमन वॉशरूम, जिसको आप ड्राइंग और डाइनिंग एरिया से भी एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही ये अटैच है एक बेडरूम के साथ में भी, यानी कि जो इस यूनिट का फर्स्ट बेडरूम है, जो कि आपको इस तरफ मिलता है, इसमें आपको एक्सेस मिल जाता है इस कॉमन वॉशरूम का, बट इस बेडरूम के साथ में आपको कोई वार्डरोब का स्पेस एज सच नहीं मिलता है। जो मिलता है वो है ये बालकनी, जो कि एक डिसेंट साइज की बालकनी कही जा सकती है। डोर्स वगैरह जो यहां पर मिलते हैं आपको यूपीवीसी वाले मिलते हैं। ये है कॉमन वॉशरूम का एक्सेस इस बेडरूम की तरफ से। इस ड्राइंग हॉल के साथ में आपको अटैच्ड मिलता है एक स्टडी रूम भी, जो कि एक डिसेंट साइज का स्टडी रूम कहा जा सकता है। इसके साथ में आपको कोई बालकनी एज सच नहीं मिलती, बट आपको एक ग्लास एरिया यहां पर मिल जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड की तरफ है, जहां से आपको अभी रोशनी दिख रही होगी। आइए चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। ये है इस यूनिट का मास्टर बेडरूम। इस मास्टर बेडरूम में आपको एक वार्डरोब का स्पेस मिलेगा, एक अटैच्ड वॉशरूम मिलेगा, और साथ ही अटैच्ड मिलेगी एक बड़ी सी बालकनी भी। ये वॉलपेपर वगैरह आपको कुछ लगाकर नहीं दिए जाते, ये सिर्फ एक सैंपल यूनिट है, तो ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाए गए हैं। यहां पर आपको मिल जाता है इसका अटैच्ड वॉशरूम। आइए नजर डाल लेते हैं इस बेडरूम के साथ में मिलने वाली बालकनी पर भी, और इस तरफ है 130 मीटर वाइड रोड, जो ये बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं इसके बीच में 130 मीटर वाइड रोड जाती है। ये है कुछ इस तरह की बालकनी यहां पर, कुछ इस तरह से आपको लिफ्ट का प्लेसमेंट मिल जाता है। काफी अच्छा वेंटिलेटेड एरिया है ये लिफ्ट वाली जो लॉबीज है, और ये है इसका ग्रीन एरिया, जिसको हम अभी पास जाके भी देखेंगे, बट आप अभी टावर से आपको जो व्यूज आते हैं, या अगर आपकी यूनिट पार्क फेसिंग होती है, तो कुछ इस तरह के व्यूज आपके रहने वाले हैं। दूसरी लिफ्ट इस तरफ आ जाती है, तो आपको जब आप लिफ्ट का वेट भी करते हैं तब भी आपको एक सेंस ऑफ वेंटिलेशन मिलता रहेगा। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं ग्रीन एरिया पर,
और ये अब हम ग्रीन एरिया के पास आ चुके हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज अमेनिटीज ग्रीन एरिया में मिल जाती हैं। और ये जो यूनिट आपने देखी है इसकी कॉस्ट स्टार्ट होती है 58.41 लाख से। इसके अलावा आपको पोजीशन चार्जेस और रजिस्ट्री का अमाउंट पे करना होता है। लोकेशन वाइज ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, जिन लोगों को ओपन व्यूज पसंद है, जिनको ऐसा लगता है कि हमारे सामने कोई टावर्स नहीं बनने चाहिए, तो उनके लिए ये यूनिट काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि ये एक टू साइड ओपन टावर कहा जा सकता है। ये अभी आप ग्रीन एरिया के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज देख रहे हैं। इसमें सेंटर में आपको एक क्लब मिलता है जो कि इस तरफ बना हुआ है, और उसको आप एक्सेस करते हैं यहाँ के थ्रू। बना हुआ है वो बेसमेंट में, यानी कि एक लेवल डाउन करके, जहां पर आपको पूल, जिम, इंडोर गेम्स वगैरह सब मिल जाते हैं। बट उसको हम आज इस वीडियो में फीचर नहीं करने वाले हैं, आपको सिर्फ एक ओवरव्यू हम उसका दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा फ्लैट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये पूरी तरीके से एक बसी बसाई सोसाइटी है। तो अगर आप एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी देख रहे हैं, अच्छी लोकेशन पर चाहते हैं, तो ये यूनिट आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो स्पेस मैनेजमेंट है वो काफी बढ़िया तरीके से किया गया है। यहां पर आपको मिल जाता है इसका एक स्विमिंग पूल, और बाकी इसके चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट अमेनिटीज दी गई हैं, पर उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करना चाहेंगे। आज इस वीडियो में हम आपको सिर्फ इतना ही दिखाएंगे। आइए नजर डाल लेते हैं इसके यूनिट प्लान पर। बिल्कुल इसी ओरिएंटेशन में आपने यूनिट को देखा भी है वीडियो में, और ये है सेवियर ग्रीन आर्क का साइट प्लान। जो यूनिट हमने फीचर की है उसकी लोकेशन को भी हम मार्क कर देंगे इसमें। ये वाली यूनिट आपने देखी है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रॉपर्टी के बारे में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट propnation.co.in को आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।